हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में, और भौतिक विज्ञान में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मात्रक एवं विमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन, वेव यानी तरंग और साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग। ये 3 चैप्टर हमने इन डिटेल स्टडी की है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें कंप्लीट किया है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। देखो, वैसे मुझे आपको करवाना गति था, ठीक है, न्यूटन लॉ करवाना था, वर्क पावर एनर्जी करवाना था, फिर गुरुत्वाकर्षण करवाना था, फिर प्रकाश करवाना था, और फिर मुझे इस पे आना था। लेकिन आप लोगों के मैसेजेस कि मैम पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट करवा दो, तो पहले ये दोनों चैप्टर करते हैं, फिर बाकी चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? सीधे शब्दों में विद्युत छोड़ दो, क्या होती है? बिजली। हम सबके घरों में क्या आती है? बिजली आती है। बिजली आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में, और उस विद्युत ऊर्जा को हमारे घर में मौजूद अलग अलग यंत्र अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि विद्युत ऊर्जा आई हमारी ट्यूबलाइट में, तो ट्यूबलाइट ने उसको बदल दिया किसमें? लाइट एनर्जी में, और हमें क्या दे दी? लाइट दे दी, प्रकाश ऊर्जा में बदलकर हमें प्रकाश दे दिया। अगर मैं बोलूं कि वो आई लाउड स्पीकर में, तो लाउड स्पीकर ने क्या किया? विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी ली और बदल दी साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में, और हमें क्या दे दी? ध्वनि दे दी। अगर मैं बात करूं हीटर की या प्रेस की, आयरन प्रेस जो होती है कपड़ों को इस्त्री करने वाली, वो क्या होती है? तो वहां पर क्या आई? तारों से इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी आई विद्युत ऊर्जा, और प्रेस या हीटर ने उसे बदल दिया किसमें? हीट एनर्जी में, यानी ऊष्मा की ऊर्जा में, ठीक है, जिसने हमारे कपड़े प्रेस कर दिए। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जरूरतमंद चीज है जो कि अपनी ऊर्जा को अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर सकती है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से? तो आपका क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जेनरेटेड। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, क्या आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है यानी जेनरेट कैसे होती है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है चार्ज की वजह से यानी आवेश की वजह से। तो पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? आवेश यानी चार्ज की वजह से। दूसरा क्वेश्चन कि भाई, पहला तो वैसे चार्ज क्या चीज है, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है। बहुत बहुत खास टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज क्या है, क्योंकि अगर चार्ज समझ आ गया तो आगे का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज से एक और बात आती है, वो क्या है? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश के संग्रहण का नियम। आवेश के संग्रहण का नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि ना तो नया चार्ज बनाया जा सकता, ना पुराना चार्ज खत्म किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज को दूसरे चार्ज में बदला जा सकता है, ठीक है। आपको मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने माइंड में इस बात को सुन भी लोगे ना, इतना भी बहुत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है बताओ? यानी कि ना तो नई एनर्जी बनाई जा सकती, ना कोई एनर्जी खत्म की जा सकती, बस एक एनर्जी को दूसरे में बदला जा सकता है। तो चार्ज भी यही कहता है कि ना तो नया चार्ज बन सकता, ना पुराना चार्ज खत्म हो सकता, बस चार्ज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है क्या? एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थैतिक विद्युत, और एक होता है करंट यानी विद्युत प्रवाह। अब ये दोनों क्या चीज है? जब हमारा आवेश विराम अवस्था में हो, यानी कि चार्ज क्या है हमारा? चार्ज है एट रेस्ट, यानी आवेश किसमें है? आवेश है विराम पर, ठीक है, रेस्ट पर है, यानी आवेश बस बैठा है,
बैठा है वो, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि आपसे पूछा जाएगा भौतिकी की उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें चार्ज केवल विराम अवस्था पे रहता है। आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक मतलब स्थित है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, क्लियर। करंट क्या है? तो जब चार्ज किसमें आता है? गति में आता है, यानी चार्ज इन मोशन, या हम बोलेंगे फ्लो में, फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या है ये? आवेश जो है, आवेश होता है किसमें? गति में। तो उसे बोलते हैं क्या? करंट बोलते हैं, क्लियर। तो करंट में हम क्या पढ़ेंगे? जब आवेश चलने लगे। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोलेंगे? जब आवेश बैठा है, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, भाई चार्ज 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 कर रहे हैं, ये चार्ज है क्या चीज, ये चार्ज है क्या चीज। तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज ही हमारा आज का हीरो रहेगा, चार्ज क्या है, ठीक है। क्या देखेंगे हम? चार्ज क्या है, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आवेश, आवेश। देखो चार्ज को समझने के लिए आपको द्रव्यमान पर जाना होगा, मास पर जाना होगा। हम बोलते हैं कि हर एक पदार्थ में, हर एक पदार्थ में, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगी, एक एक करके सुनो। हम बोलते हैं कि हर एक पदार्थ में एक द्रव्यमान होता है। अगर मैं बात करूं मेरी, तो मेरा कोई द्रव्यमान है। अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो इसका कोई द्रव्यमान है। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, तो इसका कोई द्रव्यमान है। अगर मैं बात करूं इस चोक की, तो इसका कोई द्रव्यमान है। अगर मैं इस चोक को छोटे छोटे कणों में तोड़ने लग जाऊं, तो छोटे से छोटे कण का भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। यानी हम क्या बोलते हैं कि हर एक पदार्थ में द्रव्यमान होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला हर एक पदार्थ में द्रव्यमान होता है। हर एक पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब इंग्लिश वाले सुन लो भाई, हम बोलते हैं कि हर एक मैटर, हर एक मैटर, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो चोक है, चाहे वो पेन है, चाहे वो लोहे की बड़ी सारी रोड है, इन सब में मास होता है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? हर एक मैटर में मास होता है। यानी कि मास क्या है? मास है हर चीज की फंडामेंटल यूनिट, यानी मूलभूत इकाई, यानी बिना मास के कोई पदार्थ नहीं होता। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाने की कोशिश करो। हमने बोला, मैंने आपको बोला कि ये है एक लोहे की रोड, ये मैंने क्या बोला? पूरे लोहे की रोड है। एक लोहे की रोड बनी होगी बहुत सारे लोहे के परमाणुओं से, है ना। ये चोक है, जैसे चोक है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसका एक एक छोटे कण से मिलके पूरा चोक बना हुआ है, तो छोटा कण क्या है? परमाणु है। हम यही बोलते हैं ना कि ये लोहे की रोड बहुत सारे किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। यानी कि हर एक पदार्थ किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं पहले, इसमें कुछ भी नया नहीं है कि हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है, डाल्टन ने बोला था। और ये बात भी आप जानते हो कि हर परमाणु के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद आया? हर एक परमाणु के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? याद है आपको इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? ऋणात्मक। और अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होते हैं प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की बात करूं तो जीरो यानी शून्य चार्ज होता है, याद है। तो यहां पर आप समझ रहे हो हमने क्या किया, एक पदार्थ लिया, फिर मैंने बोला कि पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं, फिर मैंने बोला परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि हर एक पदार्थ में चार्ज होता है? क्या बोल सकती हूं? हर एक पदार्थ में चार्ज होता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो पेन है, चाहे वो चोक है, चाहे वो शीशा है, चाहे वो ऊन है, हर चीज में क्या होता है? चार्ज तो होता है। तो चार्ज क्या है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि चार्ज क्या होती है? चार्ज होती है एक फंडामेंटल यूनिट। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट यानी मूलभूत इकाई होती है चार्ज, ठीक है। यानी कि हर सब्सटेंस में होता है क्या?
चार्ज प्रेजेंट होता है, आवेश प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये बात? अब ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताई? मैंने ये सारी कहानी आपको बताई ताकि मैं आपको एक इंसान, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है थेल्स, उनके बारे में बता सकूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। आज से 2600 वर्ष पहले, आज से 2600 वर्ष पहले, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? इन्होंने लिया अंबर। अब आप बोलोगे मैम अंबर क्या है? तो अंबर जैसे आज शीशा होता है ना, ग्लास होता है, पुराने जमाने में ग्लास नहीं बना था, शीशा नहीं बना था, 2600 वर्ष पहले की बात है ना, शीशा नहीं बना था, शीशे जैसी ही एक चीज थी जिसका नाम था अंबर। क्या है ये? ग्लास लाइक मटेरियल, शीशे जैसी एक चीज। इस अंबर को लेकर इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर ऊन को यानी वूल को रब किया। यानी ये मान लो अंबर है और ये ऊन है, तो ऊन को रब किया। जब इन्होंने ऊन को रब किया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अब ये अंबर को अगर मैं कागज के हल्के हल्के टुकड़ों के पास ले जाऊं तो कागज के टुकड़े इससे चिपक जाते हैं। ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने बोला कि भाई ऊन जो है ना, ऊन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है। जब ऊन को हमने रगड़ा अंबर के साथ तो अंबर से इलेक्ट्रॉन ऊन ने ले लिया, और अंबर ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, अंबर ने इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आप लोग ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला अच्छा इंसान है, यानी अंबर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला लालची है तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने बोला कि भाई जब मैंने ऊन को अंबर से रगड़ा तो मैंने देखा उन पर चार्ज आ रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार चार्ज के बारे में किसने बताया, पहली बार आवेश के बारे में किसने बताया, तो आपको याद रखना है थेल्स ने बताया पहली बार आवेश के बारे में। कैसे बताया? अंबर और ऊन को रगड़कर। और ऊन पे कौन सा चार्ज आता है? हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ये बात आपको याद रखनी है। ऊन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ना है, चलो इतना तो पढ़ा रहने दे, हम थेल्स तक बात पढ़ी रहने देते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने पहली बार ऐसा बोला कि चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यानी चार्ज के आगे सिंबल किसने लगाया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज होता है किसने बताया? थेल्स ने। और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव को बोलते हैं धनायन, धनायन। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? नेगेटिव को बोलते हैं ऋणायन। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? तो आप जानते हो ये होता है प्रोटॉन पर। और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? तो ये भी आप जानते हो, होता है इलेक्ट्रॉन पर। कितना पॉजिटिव चार्ज? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और कितना नेगेटिव चार्ज? तो −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या याद रखना है, एक यूनिट चार्ज का मतलब कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। यहां से एक और क्वेश्चन आया, यहां से एक और क्वेश्चन आया कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज का मात्रक क्या है, और यूनिट भी कौन सी? SI यूनिट। तो आपको याद रखनी है चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब, क्योंकि कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने चार्ज के बारे में बताया। ठीक है, चार्ज की यूनिट के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। SI यूनिट तो सबको याद रहती है, क्वेश्चन आता है CGS यूनिट बताओ। ठीक है, जब हम वर्क पावर एनर्जी करेंगे ना, तब मैं आपको सबकी CGS भी बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन CGS पे आता है। जो जनवरी में ग्राम सचिव हुआ था उसमें भी अर्ग पे क्वेश्चन आया था, जूल पे नहीं आया, क्यों? अर्ग CGS है। तो CGS यूनिट अगर आपसे कोई पूछ लेना तो वो क्या होती है? वो होती है स्टेट कूलम्ब। क्या होती है? स्टेट कूलम्ब। चार्ज की CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। आप लोग कूलम्ब टिक करके आ जाते हो, आंसर गलत हो जाता है।
क्लियर है, तो इतनी बात याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक चीज आपको सुनने को मिलती है, कुछ शब्द हैं, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है, यानी कि आवेश का परमाणीकरण। क्या होता है आवेश का परमाणीकरण? अगर मैं आपको बोलूं कि A ने B को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, आप मान जाओगे? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई A है, इसने B को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, आप कहोगे दे सकता है। मैंने बोला A ने B को दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, आप कहोगे कोई बात नहीं। मैंने बोला A ने B को तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए, आप कहोगे कोई बात नहीं। लेकिन मैं बोलूं A ने B को ढाई इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या मतलब बना? कोई मतलब बना? क्या ढाई इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको बोलूं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कोई भी पार्टिकल है A, ठीक है, या मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको बोलूं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आप बोलोगे -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मैं आपको बोलूं एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, आप बोलोगे +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये है केमिस्ट्री। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है भाड़ में जाने दो इसको, मुझे मतलब ही नहीं है सिंबल से। फिजिक्स कहती है मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान रहा हूँ, और वो भी मैं क्या मान रहा हूँ, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जनरली आपको कभी ऑप्शन में माइनस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, माइनस प्लस मत ढूंढना। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए ना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है और ऑप्शन में -1.6 मिले ही ना, तो प्लस वाला टिक कर देना, क्योंकि फिजिक्स वाले नहीं मानते इन चीज़ों को कि प्लस माइनस हर बार लगाओ, ठीक है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹। मैं आपको बोलूं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, आप बोलोगे 1.6 × 10⁻¹⁹। मैं आपको बोलूं 300 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, कितना क्यू होगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, कैपिटल या स्मॉल क्यू, ठीक है, चार्ज को क्यू से लिखते हैं। मैंने आपसे पूछा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इतना, तो 300 पर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे एक पे है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 300 पे कितना होगा, तो हम कर देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ को 300 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही निकालोगे ना, तो अब आपको क्वेश्चन यही मिलता है। लेकिन एक फॉर्मूला आता है, वो क्या है, टोटल चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज मतलब Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N मल्टीप्लाई बाय E, तो Q बराबर होता है N E। ये है एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो कि आपको इस चैप्टर से मिला, क्या है, Q बराबर N E। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे Q बराबर होता है N E। N कितने हैं, दो पूछा है, तो दो। E कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो आंसर क्या आ गया, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, क्लियर। तो Q बराबर क्या होता है, N E, और ये आपका है पहला फॉर्मूला इस चैप्टर से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपके पास क्या है इस चैप्टर का, अगला टॉपिक आपके पास आता है कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, एक नियम दिया,
कुलम्ब का नियम क्या है वो। उन्होंने बोला कि मान लो दो चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और वो दोनों R की दूरी पर रखे हैं। तो Q1 जो है वो Q2 को अपनी तरफ से खींचेगा, ठीक है, एक बल लगा के F, और इसी तरीके से ये भी इसको खींचेगा एक बल लगा के F। इस बल को कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के। यानी कि ये बोलना चाहते हैं कि व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ R, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस। यानी Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनकी दूरी के स्क्वेयर के। ये बात बोली थी किसने, कुलम्ब ने। अब हिंदी में सुनो, हिंदी में क्या था, कुलम्ब ने बोला कि जब दो आवेशों को R की दूरी पे रख दूँ, तो एक दूसरे के ऊपर वो लगाएंगे बल, और वो बल पूरी तरीके से निर्भर करेगा, सीधे तरीके से निर्भर करेगा दोनों आवेशों के गुणा के, गुणनफल के, और उल्टी तरीके से निर्भर करेगा किस पे, दोनों आवेशों की दूरी के स्क्वेयर पे, ठीक है। यही मैंने लिखा, निर्भर करेगा किस पे, दोनों के गुणनफल पे, और उल्टा निर्भर करेगा व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, आर स्क्वेयर के, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दूं तो F क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो लगाते हैं एक कॉन्स्टेंट जो कि आ गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। ये है आपका दूसरा फॉर्मूला जो इस चैप्टर से आपको मिलता है। यहाँ पर K क्या है, तो K है एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आता है बताओ, के बारे में आपको याद रखना है के बराबर होता है किसके, 1/4 पाई एप्साइलन नोट के, ठीक है। और ये, और इसको सोल्व करके देखोगे ना तो ये बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9 के बराबर होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगली चीज पूछी जाएगी, इस के का मात्रक बताओ, इस के की यूनिट बताओ आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये क्या होता है, ठीक है, उसका वेट करो, पहले के का बात करते हैं। के का अगर मात्रक पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे, चलिए देखते हैं। यहां पे इसको हटा देती हूँ। कुलम्ब का लो समझ में आ गया, कुलम्ब का लो कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के गुणनफल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी दूरी के। अब बात करते हैं के की। मैंने आपको बोला कि F बराबर है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के, ठीक है। मैं K लिख सकती हूँ, K को यही रहने दो, बाकी ऊपर ले जाओ, F R स्क्वायर Q1 Q2 ये लिख सकती हूँ। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। R क्या है, दूरी, और दूरी की यूनिट मीटर। R का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो मैंने अभी बताया था चार्ज की यूनिट होती है कुलम्ब, और ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो यहाँ कुलम्ब का स्क्वायर। तो के की अगर यूनिट पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब का स्क्वायर। के की यूनिट ये है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस एप्साइलन नोट की। इस एप्साइलन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी। अब क्वेश्चन इसकी यूनिट से भी आता है, ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं एप्साइलन नोट क्या है। चलिए देखो, के बराबर क्या है, के बराबर है 1/4 पाई एप्साइलन नोट। तो एप्साइलन नोट को ऊपर ले जाती हूँ, के को नीचे ले आती हूँ, तो क्या आ गया, 1/4 पाई के। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, तो एप्साइलन नोट हो गया 1/k, और k की यूनिट हम अभी निकाल के आए, क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब का स्क्वायर। तो k की जगह लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब का स्क्वायर, तो ऊपर चला गया कुलम्ब का स्क्वायर। यूनिट क्या आ गई एप्सिलॉन नोट की, कुलम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर
स्क्वायर। ठीक है, अगली चीज क्या याद रखनी है, जैसे k की वैल्यू ये है 9 × 10⁻¹, तो एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है क्या 8.85 × 10⁻¹². ठीक है, अब आप पूछोगे मैम ये क्या काम आएगी, तो सीधे क्वेश्चन आएगा परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, आप क्या बोलोगे ये होती है परमिटिविटी का आयाम क्या है या फिर परमिटिविटी का यूनिट क्या है यानी कि मात्रक क्या है, आप सीधे बोलोगे ये। ठीक है, आयाम और अगर मात्रक पूछ लिया जाए ना, जनरली पूछ लिया जाता है तो आप निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाएगा के के का मात्रक क्या है, आप बोलोगे निकाल के दे दोगे, के की वैल्यू क्या है निकाल के दे दोगे। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन बस इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो आपका सोल्व हो जाएगा। देखो आपको फॉर्मूला पता है, आपके पास क्वेश्चन आएगा यदि यदि किसी सिचुएशन में यदि किसी चार्ज को या फिर यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश में भी सुन लो, इफ चार्जेस आर डबल्ड देन व्हाट विल बी द चेंज इन फोर्स। तो निकाल के देखो, यानी अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। पहले फोर्स क्या थी हम जानते हैं, ये थी K Q1 Q2 / R² अब हमने क्या किया, देखो K तो K ही रहेगा, R² ही रखा है, R में तो कुछ बदलाव नहीं किया, Q1 और Q2 को डबल कर दिया, मतलब अब हो गया 2Q1 2Q2, यानी आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया यहाँ से 4K Q1 Q2 / R². अब पहले और उसमें क्या फर्क है, पहले वाले फोर्स में और नए वाले फोर्स में क्या फर्क है, नया वाला फोर्स चार गुना हो गया, नया वाला फोर्स चार गुना हो गया, बस यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और सबसे फेमस क्वेश्चन बताऊं, सबसे फेमस क्वेश्चन ये है यदि आवेश को दो गुना कर दिया जाए और यहीं पर ऐड कर लो, और आवेश दो गुना कर दिया जाए और दूरी को, पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तब F क्या होगा, तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इफ द चार्जेस आर डबल्ड एंड एंड डिस्टेंस गेट हाफ, अब क्या होगा, तो अब सोल्व करके देखो तभी आंसर आएगा। चलिए करते हैं सोल्व, चलिए करते हैं सोल्व। पहले क्या है, ये है, अब क्या हुआ देखो, के के रहेगा, के को के रखो, Q1 की जगह क्या हो गया 2Q1, Q2 की जगह क्या हो गया 2Q2, सही बात है इतनी, R की जगह क्या आ गया 2R / 2, यानी R क्या हो गया आधा हो गया, और वो भी इसका स्क्वायर। अब ये नीचे वाली चीज कहाँ जाती है, ऊपर जाती है ना, तो मैंने इसको लिख दिया क्या K × 2Q1 × 2Q2 / R² पड़ा है, और ऊपर आ गया इस R का, R² 2 × 2 और 2 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16, तो 16 K Q1 Q2 / R² हमारे पास आ गया, यानी अब फोर्स क्या हो गया 16 टाइम्स हो गया, यानी 16 गुना हो गया। तो सीधे शब्दों में क्वेश्चन अभी तक क्या पढ़े हमने, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है, आप बोलोगे चार्ज से यानी आवेश से। फिर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट पर होता है यानी विराम अवस्था में होता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थैतिक विद्युत। वह फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर चार्ज
चल रहा होता है, आप बोलोगे करंट। चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल यूनिट है। चार्ज क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है चार्ज। पहली बार चार्ज के बारे में किसने बताया? थेल्स ने बताया। पहली बार चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव किसने बोला? तो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? आप बोलोगे प्रोटॉन पे। कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो आप पूछोगे नेगेटिव। नेगेटिव कितना? तो −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। क्या न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या हर परमाणु में चार्ज होता है? बिल्कुल होता है। चार्ज की एसआई यूनिट बताओ, कूलम्ब है। चार्ज की सीजीएफ यूनिट बताओ, स्टेट कूलम्ब है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद क्या पूछेंगे? उसके बाद पूछेंगे कि चार्ज जो है उसका कूलम्ब लो बताओ। तो कूलम्ब ने क्या बोला था? कूलम्ब ने बोला था, कूलम्ब के लो पे सीधे फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द कूलम्ब लो, निम्न में से कौन कूलम्ब लो को दर्शाता है, और ऑप्शन में लिखे हुए थे ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मूले, आपको इसको टिक करना था। तो कूलम्ब लो क्या कहता है? दो चार्जों को अगर आर की दूरी पे रख दो तो उन दोनों का गुणनफल किसके कर्मानुपाती होता है? बल के। और व्युत कर्मानुपाती किसके होता है? दोनों की दूरी के स्क्वायर के। तो फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 / R2। फिर पूछेंगे K क्या है? तो K कांस्टेंट है। K की यूनिट क्या है? हम निकाल देंगे। K की वैल्यू क्या है? तो 9 × 10⁹। एप्साइलन नोट क्या है? तो ये परमिटिविटी होती है, उसकी यूनिट मैंने आपको बता दी, वैल्यू आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़े क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि चार्ज को डबल कर दिया जाए, चार्ज को आधा कर दिया जाए, दूरी को डबल कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में आ रहा है। देखो अगर ये चैप्टर जितना आपने मुझसे पढ़ा है उसका आपको 50% भी समझ में आ जाए ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चैप्टर ना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये चैप्टर स्पेशली जो कॉमर्स आर्ट्स वाले हैं, या मेडिकल नॉन मेडिकल तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, अगर ये ना समझ में आए तो इस चैप्टर की थोड़ी सी रट्टाफिकेशन कर लेना, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, हम अपने बेस्ट तरीके से आपको पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं मैं, और आई होप कि आप टेंशन लिए बिना एग्जाम की तैयारी करोगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम जानेंगे कि करंट क्या चीज है, ठीक है। करंट के बारे में जानेंगे, एसी डीसी इन सब के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।